आपण सर्वप्रथम परमेश्वराला एक त्याने प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुंदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर नागपुरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा नवा हवन कार्य आदरणीय सहारे बंधू यांच्या निवासस्थानात पाठ पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत. बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरु व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुंदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत. बाबा जुंदेवजींना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत. आईला माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय देशमुख साहेबांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक या परिवाराचे मार्गदर्शक आदरणीय दंडारे साहेबांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय प्रकाश शाहू भाऊ भाऊंना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित आदरणीय चंदू भाऊ आदरणीय मंच आमचे संचालक बंधू आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. नमस्कार जी. देखो अभी तक दीदी ने अपना अनुभव बताया कि बच्चा किस प्रकार से अंतिम सांसे यानी एकदम सीरियस बच्चा और जैसे ही हम तीर्थ बना के देते हैं और वो तीर्थ किस प्रकार से असर करता है. तो ये जो अपार कृपा है ये पहले दिन से यानी बाबा ने जो विधि किया था हनुमान जी की विधि किया था और विधि करने के बाद उस रंगारी समाज के लिए बाई के लिए 42 दिन का हवन किया था और वो 43वें दिन और घूम के आई और वो घूमती थी और उनका शैतान और वो जाती थी और वापस आती थी. ऐसे शाम तक ये जो क्रिया थी और अंतिम समय में फिर बाबा ने वही वचन दिया जो सबने दिया है ना कि यानी मार्गदर्शक के घर जाने के पहले अगर कोई वचन दे देता है कि मैं यही भगवान को मानूंगा. जैसे बाबा ने बोला था कि मुझे ऐसे लग रहा है हनुमान जी इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत आपके अंदर में नहीं. हम इसके बाद किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे. और वो भाई को बोला. भाई बोले आखिरी फूक गए. बोले अभी मत आना. बोले भाई गेली. वो भाई गई तो आई नहीं उसके बाद. तो बाबा ने उसके बाद सोचा कि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है बोले कि एक पल में शैतान को भगा सकती है. उसके बाद हनुमान जी ने बताया कि भाई उसको पाने के लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ेगा. वो 5 दिन हवन किया. तो इस प्रकार से इस मार्ग में ऐसे कई लोग हैं. भगवान ने तो नहीं लेकिन सिर्फ वचन दिया. तू वचन दे मरने का मैं अमृत की वर्षा कर दूं. तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं. तो विधि या वचन मार्गदर्शक के घर जाने के पहले भी अगर अपने घर में भी कोई बोलता वैसे तो मैं कई अनुभव बचपन से इतने अनुभव सुन रहा हूं. हमारे भी घर में जब मेरे भाई की तबीयत एकदम पिताजी को जो तकलीफ थी वो भाई के ऊपर आ गए और इतना शैतान हमने हमारे परिवार में देखा कि रात के समय वो छोटे बच्चे थे. मैं तो बहुत छोटा था. हम बाहर नहीं निकल पाते थे. इस प्रकार से मेरे भाई जब खटिया से उठ ही नहीं सकता था लेकिन उन्होंने सिर्फ वचन दिया और मार्गदर्शक ने बोला कि आपको चल के आना पड़ेगा. मेरा भाई खुद उठा. देखो अभी तक उसने ना कपूर लगाया था ना वचन दिया था. सिर्फ मार्ग में आना है इतना सिर्फ संकल्प किया था तो भी वो खटिया से उठा. जो 3-4 महीने से खाना नहीं खाया था उठा नहीं था. उठा बोरेल का पानी लिया और कार्यकर्ता के घर गया. आप देखो इस अपार कृपा को सिर्फ वचन देने से. तो तू वचन दे मरने का. तो ये जो मरने का वचन इतनी ताकत है. और उस प्रकार से बाबा ने 5 दिन की विधि किया. 5 दिन का हवन किया और 5वें दिन बाबा का पूरा ब्रह्मांड चढ़ा. और ब्रह्मांड चढ़ा तो बाबा खो गए. ये मार्ग तो खो जाने का है डूबने का है. दिमाग लगाने का मार्ग नहीं है. ये दिमाग के परे है. जैसे मैं यहां से आंखों से देखूं तो ऐसा लगता है कि आकाश कहीं तो भी टेका हुआ है ना. मेरी आंखें देख सकती है क्या? नहीं. उससे भी परे है. दिमाग से परे है. बुद्धि से परे अपार चैतन्य में शक्ति. उस शक्ति को बाबा ने 3 महातक देखा जो अभी हम परसों के दिन भवन में हवन घड़ाया है ना. जनरल हवन कार्य आप सब होंगे. जनरल हवन घड़ाया 3 महातक बाबा ने उस अपार शक्ति को देखा. और इस 3 माह तक क्या क्या हुआ? बहुत सारी घटनाएं हुई है ना इस 3 माह में. और यह ऐसा समय था जब भारत स्वतंत्र हुआ था और उसी 3 माह में बाबा साहब अंबेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे कि भारत कैसे चलाया जाए देश कैसे चलाया जाए. वैसे मानव ने कैसे जीना चाहिए मानव ने क्या बोलना चाहिए मानव ने क्या करना चाहिए इसका संविधान बाबा जुंदेव जी को भगवान लिख के थे. जैसे 18 दिन गीता लिखी गई
अठारहवे दिन या सोलहवे दिन अठारह दिन जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ महाभारत ने हमने देखा, कृष्ण ने गीता बोली, उसी प्रमाण बाबा हनुमान जी और दुमदेव जी, बाबा दुमदेव जी और परमात्मा का वार्तालाप हो रहा है। क्या वार्तालाप हो रहा है इस तीन महीने में? मानव को आगे सतयुग को खड़ा करने के लिए किस प्रकार से बाबा ने, बाबा को तत्व शब्द नियम मिले, भगवान से चार तत्व मिले बहुत आसान तरीके से, लेकिन बाबा का त्याग, बाबा का नीचे, बाबा का विश्वास दे दो कि बाबा खोते गए, अंदर खो गए और संसार के सारे देवी देवताओं ने बाबा को परिचय दिया। और क्या परिचय दिया? कि हम भी मानव थे और हमने भगवान को प्रिय कार्य किया, लेकिन हम भगवान नहीं थे, हम मानव थे। और उसके बाद एक भगवान आया, ये मानो तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। उस समय बाबा को ऐसा लगा कि मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, और बाबा को आत्मा समझ में आया, और इसी आत्मा में बाबा ने फिर परमात्मा को देखा। परमात्मा बाबा से क्या बोल रहे, देखो बाबा सुन रहे, बाबा उस संगीत को सुन रहे, बाबा उस परमात्मा के आवाज को सुन रहे हैं। जैसे बाहर में कोई बोलता है ना, तो अपने को आवाज सुने आता है, वैसे वो आत्मा में परमात्मा जब अंकुरित हुआ, विस्तारित हुआ, तो परमात्मा बाबा को बोलता है। क्या बोलता है? वो भगवान बाबा हनुमान जी। ये बाबा हनुमान जी क्या है? वो अपार चैतन्य में शक्ति का नाम है, क्योंकि ये रास्ता भगवान का हनुमान जी ने बताया। बाबा दुमदेव जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे, विधि हनुमान जी से शुरू हुई, लेकिन एक भगवान का रास्ता जो बाबा अपना हनुमान जी ने दिया, इसलिए हनुमान जी का नाम घर घर में जाना चाहिए। और इस जिंदा शरीर में बाबा ने उस आत्मा में ही हनुमान जी को प्रस्तापित किया, और अपार चैतन्य में शक्ति का नाम है बाबा हनुमान जी, जो चैतन्य में और निराकार है। वो शक्ति बाबा को क्या बोलती है? मानव है, बलवान है, बोले उनमें से तू मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, लेकिन मैं मानव पे विश्वास नहीं रखता। और बाबा ने तुरंत वो परमात्मा को लगा, बाबा को लगा कि बाबा मुझे, भगवान मुझे बेईमान बोल रहे, और उसका ईमान क्या है? तो बाबा की मुक्ति निकला कि भगवान में जीते जो एक समय भोजन करूंगा, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ूंगा। और भगवान इसके ऊपर खुश हुए और बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। ऐसे निराकार अवस्था में बाबा 3 महीने तक रहे, 1 दिन 2 दिन 42 दिन नहीं, 3 माह तक पूरे ब्रह्मांड में बाबा को एक आंख दिखती थी, और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड, और वही शक्ति बाबा को अंदर में दिखती थी, अंदर में भी बाहर में भी, निराकार और परमात्मा में हो गए थे। उसी 3 महीने में बाबा को और परिचय दिया भगवान ने कि बाबा भगवान बन गए, बोले बाबा बन गए, भगवान बन गए। बाबा का धड़ और भगवान का सिर, भगवान का सिर और बाबा का धड़ एक हो गया, बोले बाबा और भगवान एक हो गए। और इस प्रकार से 3 माह तक और एक विधि, एक घटना और घटी, जो रंगारी समाज के भाई के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हुई, वही रंगारी समाज के भाई अपने बच्चे को लेके आई और बाबा के सामने रखा। और बाबा उस समय निराकार थे, बाई की छाव नहीं गिरना चाहिए, ये सारे नियम थे, तो बाबा कहीं के नहीं रहेंगे, बोले बाई बाजू में खड़ी थी। बाबा ने बोला, भाई बोलो, बोले क्यों आई, बोले बाबा के यहाँ। बाबा बोले, आप तो बाबा हो, आप जानते हो, बस बाबा स्तब्ध हो गए, बाबा शांत हो गए, और बाबा क्या बोलते, गोरखनाथ हाजिर हो जाओ, बोले। अने उस समय जब बाबा निराकार में थे, तो बाबा के सेवा में कौन सी थी? गोरखनाथ होंगे, बरोबर, गोरखनाथ हाजिर हो जाओ, बोले। और वो यमराज को बोलो, बोले इस बच्चे का गले का फांसा निकाल ले, नहीं तो हम पूरी उल्टी कर देंगे, बोले। भगवान बोल रहा था, बाबा नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे था? भगवान ही बोले, क्योंकि बाबा और भगवान एक हो गए थे। और वो बच्चा पहला अनुभव भी उस परमात्मा प्राप्ति का उस रंगारी समाज के भाई को ही मिला। और इस प्रकार से बाबा 3 माह तक रहा, घर के लोग डर गए, और घर के लोग बाबा भगवान को, बाबा को विनती करने लगे कि बाबा गृहस्थी में हो, बाबा गृहस्थी में, आप हमें गृहस्थी जीवन में चाहिए, हम निराकार में नहीं चाहिए। तब बाबा भगवान बोलता है, अगर आपका भाई आपको इतना प्यारा था, बोले तो आपने हमारी सेवा क्यों करवाई, बोले ना। बाबा भगवान को और दया आई, और घर के परिवार को बोलते हैं कि बाबा को अगर गृहस्थी जीवन में देखना चाहते हो तो 3 माह तक कार्य करो। और घर के परिवार ने 3 माह तक कार्य किया। वो 15 नवंबर समाप्ति का, जैसे अपन समाप्ति की प्रसाद बांटते, वैसे समाप्ति की हवन बाबा के घर में 15 नवंबर 1948 में हुई थी। और वो गृहस्थी जीवन में बाबा आए। अगर बाबा गृहस्थी जीवन में नहीं आते तो ये भगवत कृपा हमें नहीं मिलती, बाबा हमें नहीं मिलते। हम बहुत भाग्यशाली कि ईश्वर की भी कृपा हुई, ईश्वर ने घर के लोगों की सुना, जैसे अभी परमात्मा हमारी सुनता है, अभी जैसे बाबा हनुमान जी। तो इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण, कितनी भी कृपा हो, बाबा की, भगवान की कृपा थी, इसलिए हमें सेवक भाव मिला, बाबा मिले और ये तत्व शब्द नियम मिले। और 3 माह के बाद
15 नवंबर को हम हवन मनाते, हर साल मनाते हैं। जनरल हवन ही कार्य, ये वार्षिक हवन कार्य, हम इसका बड़ा महत्व है हमारे सबके लिए, क्योंकि इस दिन बाबा गृहस्थी जीवन में आए थे और गृहस्थी जीवन में आए, अपार कृपा गृहस्थी में खड़ी हुई, नहीं तो संसार में जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करने का रास्ता ढूंढा, एक तो परिवार छोड़ के गए, घर छोड़ के गए, वो आए तो संसार में, फिर उन्हें संन्यास का धर्म बताया, जब तब की बात किया, मंत्र जाप की बात किया, बाबा ने हमारे घर में हमारे जीवन में जो परमात्मा दिया, ऐसा कोई हमने जप नहीं किया, ऐसा कोई तप नहीं किया, ऐसा परमात्मा से करारनामा किया कि जो मरने का वचन देगा और जो तत्व शब्द नियम में चलने का वचन देगा, हे परमात्मा आपको उसके जीवन में खड़े हो जाना चाहिए। और ऐसा करंट है जैसे भी दीदी ने बताया कि उसका बच्चा कैसे उठकर खड़ा हो गया, तुरंत करंट है, तो उसके घर में, उस भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है। लोग बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है, बोलते लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है, तुरंत करंट है, नगदी धंधा, कैश वाला धंधा है, अभी करो और अभी पाओ, बात की बात नहीं, अभी इसी वक्त तुरंत करंट है। इस प्रकार से अद्भुत कृपा बाबा ने शब्द पे खड़ी किया, बाबा ने अपने विचारों पे खड़ी किया, बाबा ने अपने जप से अपने तप से हम सबके जीवन में खड़ी कर दिया, ऐसी अद्भुत कृपा ये बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम के सामने माध्यम से हमारे जीवन में लाया और इसका संविधान बनाया कि हमें चलने के लिए हमें जीवन में तत्व दिया और बोलने के लिए शब्द दिया और जीवन में चलने के लिए नियम दिया। और इस प्रकार से बाबा ने तत्व शब्द नियम का संविधान एक तरफ 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ देश चलाने के लिए, उसी समय 1949 तक ये हमारा मानव जीवन चलाने का संविधान खड़ा हो गया। और 1949 में बाबा फरवरी महीने में 48 के एंड में फिर फरवरी में बाबा कहाँ गए थे, महाशिवरात्रि के पर्व पे गए और वहीं से मानव धर्म की स्थापना हुई। इधर देश में देश का संविधान बना और इधर मानव को चलाने के लिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश अभी आज है, पूरा भारत है, आपने देखा है कि आकाश में उड़ रहा है, कुछ ऐसे लोग है आकाश में उड़ना चाहते हैं, है ना, विमान की तरह, मछली की तरह पानी में तैर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा एक दूसरा भारत है जो गरीबी में, अंधश्रद्धा में है, आज भी तांत्रिक मांत्रिक में फंसे हुए हैं, आज भी इतना अज्ञान है, आज भी पाखंडी लोग धर्म के नाम पर अज्ञान मानव को, दीन दुखी गरीब लोगों को लूट रहे, तांत्रिक मांत्रिक लूट रहे, ऐसा भारत आज भी है। और इसको मुक्ति दिलाने का एक ही मार्ग है, एक ही वो भारत है, एक ही वो तत्व शब्द नियम जो पूरे देश को बांध सकते हैं, वो है मानव धर्म, वो है तत्व शब्द नियम। और इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि बाबा ने जीवन में क्या दिया है, तो अभी हमें बाबा को क्या देना है, तो बाबा का हमारे ऊपर जो विश्वास था, और बाबा ने बोला कि मैं 40 साल में कुछ नहीं पढ़ा सका, बोले मैं कुछ सिखा नहीं सका, बोले सेवकों को, क्योंकि मैं जो बताता उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि बाबा की भुक्ति सत्यमर्यादा प्रेम, बाबा की भुक्ति सत्यमर्यादा प्रेम। धोखगांव में बाबा रोने लगे, तब बाबा बोले मैं नहीं रो रहा हूं, सेवकों को लगा कि बाबा रो रहे, बाबा बोलते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है, बाबा को सत्यमर्यादा प्रेम की भीख दो बोले, तब वहां के उपस्थित सेवकों ने भगवान को सत्यमर्यादा प्रेम से चलने का वचन दिया। और बाबा अंतिम समय तक जो ईमान खड़ा करना था उसी के लिए मरते दम तक बाबा आगे बढ़ते रहे। और इसलिए बाबा की समाधि, बाबा की शांति और जीवन का आनंद अगर कहीं पे है तो सत्य समान धर्म ने प्रेम सम पंत ने जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप है। तो हमें वेद पुराण कुरान से तो कोई जरूरत नहीं, हमें मंदिर मस्जिद भी जाना नहीं, हमें प्रेम का रंग चका दे कोई, हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, ऐसा सत्य बाबा ने हमारे जीवन में खड़ा किया है और वो ऐसा ज्ञान का प्रकाश दिया है, और ज्ञान का प्रकाश बाबा ने दिया उसका नाम है ज्ञान पररस मररस योगी, ऐसा ज्ञान जो परिस के समान है, जिसको अगर लोहे का स्पर्श हो जाता है तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसा ही इस मार्ग का ज्ञान जो गंगाराम जी रंबाट को स्पर्श हुआ, फिर माटे जी को हुआ, फिर यहाँ शाहू जी बैठे हैं, फिर यहाँ पे डंडारे जी बैठे हैं, यहाँ देशमुख जी बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, आप है ना, कैसा परिस चिपकते गया, परिस का कैसा स्पर्श होते गया, और हर सेवक कैसे उस परिस रूपी ज्ञान से स्पर्श होते होते दुख पल में नष्ट, जबै नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घात। कितना भी पुराना ताप हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, कितने भी पुराना शैतान लगा हो, अभी हम छत्तीसगढ़ गए तो वहां तो ऐसे ऐसे अनुभव थे, इतने खतरनाक। एक सेवक तो बोले मैं देवों के साथ बात करता था, मैं तो वैकुंठ में पूरे वहां पे बात करके आया, बोले अभी देखो कितना ज्ञानी आदमी था, ठीक है, उसको भी इधर मार्ग में आना पड़ा, नहीं थे सही बात है, वहां पे इतना करंट है, इस मार्ग में भयंकर करंट है, मैंने मेरे परिवार में इतने बचपन से देखते आ रहा हूं, अरे बाप रे बाप, कितने अनुभव है रखे पास में, इतने बाबा ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया, बीच में कोई दलाल नहीं है, सीधा कांटेक्ट बाबा ने हमारा भगवान के साथ किया और शब्द के ऊपर काम करता, तुरंत करंट,
अभी वही छत्तीसगढ़ में एक सेवक अपना अनुभव बता रहा था। भाव बोले मैंने घर में आया अपने ऐसे बोला बोले कि मैं जानवर जैसा मेहनत करता हूँ और कुत्ते समान खाता हूँ। ठीक है, जैसे बोला वो कुत्ता बन गया, वो तुरंत कुत्ता उसका आवाज ही नहीं, भू भू करते रहा, भू भू करने लगा सब सर पे, ऐसा हुआ क्यों? फिर उनको शब्द समझ में आया, उन्होंने माफी मांगी और ये सही बात है, बरोबर है शाहू जी, बताएंगे आपको। वो तो तुरंत कुत्ता, ये तुरंत करंट है, ये जैसे वायर है ना, मालूम है वायर, इस वायर में कितने, ये जो माइक चल रहा है इसमें तीन वायर है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये सकारात्मक, तो ये पूरी दैवी शक्ति विचार और शब्दों के ऊपर काम करती है, इसलिए बाबा ने बोला कि तू निमित्त मात्र काम कर। बोले ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले ये धरती भगवान की है, लेकिन इस संसार में हम क्या करते, पूरा माल अपने अंदर में है, पूरा ऐसा दिन रात इतना समय देते, आवे आवे बच्चा ड्यूटी, ये बच्चा और अकाउंट और अकाउंट, अकाउंट कितना बड़ा हो गया, बोलो नहीं। तो जो अकाउंट, असली धन, जो असली खजाना बाबा ने बताया है, असली रस जो बाबा ने बताया है कि ये ताली बे मंजिल है, तू मंजिल की दर देखता है, दिली तेरा मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख, अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपने दिल की ओर देख, तो यार तू अपने दिल को सवार ले, ऐसा रस। तो हमें हमारे ऊपर जाना है, हमारे गलतियों को देखना है, बार बार विनंती में हम बोलते मी माजा कर्मानी चुकलो, मैं कर्म करते समय गलती के, बार बार मुझे खुद को देखना है, बार बार तत्व शब्द नियम कहने में देखना, मुझे खुद को देखना है, मेरे गलतियों को देखना है, ताकि मैं निमित्त मात्र बनकर जी पाऊ, नहीं तो ये मैं कितना बड़ा, मैं ज्ञानी, मैं पद पे, मैं बड़ा काय का बड़ा, जैसे झटका जाता है तो पता भी चलता तू काय का बड़ा। वो भगवान है, कई लोग आपने कई अनुभव देखा, अरे आता तो चांगला होता जीवन थे, जाऊन तिकड़े गेला म्हणते, बरोबर है कि नहीं, ये भगवान है काय का बड़ा, इसलिए निमित्त मात्र होकर मैं बोलने वाला कौन और तुम सुनने वाले कौन, उसकी कृपा है, बोलने वाला भी वही, सुनने वाला भी, लेकिन लगता है मैं बोल रहा हूँ और आपको लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, अरे काय की सुन रहे हो, अरे उसी की कृपा है, ये आवाज की शक्ति जो दिया है उसने ही दिया है, बोलने की शक्ति जीवा को उसने ही दिया है, ये वाणी उसकी है, लेकिन हमें उसके प्रति एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, ये तब होगा जब मैं निमित्त मात्र बनकर जीऊंगा। और उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहने का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत, इसलिए जागना, ये जागने के लिए हमने तीन दिन के काम कार्य किए, सात दिन के किए, अभी त्याग का हवन हुआ, फिर हम बैठक में जाते हैं, अभी हम यहाँ पे आए हैं, नव हवन हो गए हैं इस भाव के घर में, सारे भाव के घर में, लेकिन ये मरते दम पे रोज अपने ऊपर काम करना है, रोज अपने गलतियों को देखना है। अभी सारे भाव ने समझना चाहिए कि अभी तो मैं पक्का, अभी डंडारे भाव से कोई लेना देना नहीं, नहीं क्या, बार बार संगति में बैठना है, सेवक के संगति में रहना है, क्योंकि ये करंट है, पल में सैतान और पल में भगवान, क्योंकि किसी भी सेवक को वरदान नहीं मिला, जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, कौन सा वरदान मिला था, कि तूने बोले ऊपर में मरेगा ना नीचे में मरेगा, तू न दिन को मरेगा ना तू रात को मरेगा, तू न अंदर मरेगा ना तू बाहर मरेगा, तू न अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, कितना बड़ा वचन ऐसा दिया क्या बाबा ने, या दंडारे साहब ने, या किसी मार्ग वचन, किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला, ऐसा किसी को वरदान नहीं मिला, इसलिए बार बार चर्चा बैठक में जाना है, मुझे भी जाना पड़ता है बार बार सत्संग में, अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला कर देह बढ़ाया ये भी अग्नि में जलाना, ये साढ़े तीन हाथ का ये शरीर, सबका अपने हाथ से गिन लेना अपना शरीर है ना, ये साढ़े तीन फुट का ही है पूरा शरीर, साढ़े तीन हाथ का शरीर है, और इसलिए ये शरीर जलने के पहले हम जीते जी मुक्ति का मार्ग है, जीते जी मुक्ति, मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले किसने देखा, क्योंकि मरने के बाद ऐसा कोई रिटर्न कॉल नहीं, अजी हाँ जी हाँ जी, हम तो बोलते हैं मरने के बाद, क्या बोलते हैं, ये स्वर्गवासी हुआ, यानी स्वर्ग में गया, क्या मालूम गया क्या नहीं गया, बरोबर कि नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रिटर्न कॉल नहीं है, हाजी हाजी मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता है कि अभी तक हमारे परिवार में इतने लोग गए, किसने बोला क्या, वो स्वर्ग में गया कि नर्क में गया ये नहीं मालूम, लेकिन बाबा बोलते थे कि मुझे बहुत आनंद होता है, बोले जब सेवक एक लक्ष्य चित्त भगवान रखता है, ये बाबा का आनंद है, और हमारे जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना है तो ये तत्व शब्द नियम यही पे स्वर्ग है, यही पे नर्क है, तो ऐसा पूरा परिवार को बाबा ने एक एक जीव को मंदिर बनाया, इसलिए हमारे मानव धर्म का उद्देश्य है, जो 1949 में बाबा ने स्थापना किया कि हर मंदिर, हर परिवार, हर जीव मंदिर बन जाए, पूरा परिवार मंदिर बन जाए, फिर घर मंदिर बनेगा, अभी गांव में एक मंदिर रहता है, लेकिन बाबा के सेवक, बाबा का हर घर जब मंदिर बन जाए, पूरा गांव का गांव मंदिर बन जाएगा, पूरा राष्ट्र का राष्ट्र मंदिर बन जाएगा, जब हर जीवात्मा मंदिर बन जाएगा, ऐसा ये मानव मंदिर को सजाने वाला, ये हमारा ध्येय मानव मंदिर का, और बाबा की खुशी इसी में है, बाबा का आनंद इसी में है, और इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा होते कि बार बार हम एक लक्ष्य चित्त भगवान, क्योंकि गृहस्थी में आगे में संसार है,
संसार है ना हमारे आगे में और भगवान भी है, एक तो भगवान को पकड़ेंगे या तो संसार में पकड़ेंगे, गड़बड़ हो जाती कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें समझना है और संसार को पकड़ना है कि भगवान को तो संसार हमारे पीछे दौड़े, सुख शांति सफलता समृद्धि धन जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो हमारे पीछे दौड़े। और कबीर जी ने जो कहा कि सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। बाबा ने भी वही कहा है कि ये सुख शांति सफलता समृद्धि धन हमारे पीछे दौड़े और जो ज्ञान है सब हमारे पीछे दौड़ेगा, हमें सिर्फ ध्यान देना है बाबा ने जो बताए हुए तत्व शब्द नियम, इसी धन को हम सब पकड़ेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।